दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात की जाए इस समय तो निधि को बातचीत करते हुए गुंडों से सुन लेगी इस समय राखी। जी हाँ, करण की माँ को सब पता चल जाएगा कि हाँ निधि यहाँ पर प्रीता को मारने की बात कर रही हैं, और जिसके बाद में राखी बोलती नजर आने वाली है कि ये बता कि तू किसकी बात कर रही थी और तू ये किससे बात कर रही थी कि प्रीता को जान से मार देना, उसे नहीं निकलन देना। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि निधि को एक्सपोज होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग बेहद ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सभी लोगों का मानना ये है कि जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत और ख़तरनाक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस समय साजिश इतनी गहरी होती हुई नज़र आ रही है आखिरकार एक प्रीता के लिए। निधि ऐसे कैसे सोच सकती है, और निधि ने अपने गुंडों से बोल दिया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ से सही सलामत नहीं निकलनी चाहिए प्रीता, उसके बदले चाहे कितना भी पैसा ले लेना। लेकिन दोस्तों वहीं अब करण, ऋषभ और पूरे लूथरा परिवार को पता चलेगा कि इस घर में सबसे बड़ा छल जो किया था वो किसी और ने नहीं बल्कि निधि ने ही किया था। क्योंकि निधि ने सबके दिमाग में 20 सालों से प्रीता के खिलाफ इतनी गंदी नेगेटिविटी भर रखी थी बेहद ज़्यादा, जिसके बाद में करण अब बोलता हुआ नजर आएगा कि निधि जल्द से जल्द आप मेरे घर से निकल जाओ, उससे पहले मेरा हाथ उठे तुम्हारे ऊपर मैं भी नहीं चाहता। एक काम करो, यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कहानी वाकई में एक और भी नया ट्विस्ट लेकर अटक चुकी है, जब आप लोग देख पाएंगे कि सभी लोगों के बीच में निधि को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा दोस्तों। और वाकई में दोस्तों बात भी सही है कि इस घर से धक्के मार के ही बाहर होना चाहिए उसको। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट।